हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले 10 पक्षियों के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों नंबर एक पर बात करते हैं पेरेग्रीन फाल्कन, जिसकी गति है 399 किलोमीटर प्रति घंटा और यह फाल्को पेरिग्रिस प्रजाति का है। इनके परिवार का नाम है फेलोकिनाइड। दूसरा इसका नाम है घुमंतू बाज, पेरेग्रिन्स बाज, जिसे पेरेग्रीन के रूप में भी जाना जाता है। 242 मील प्रति घंटा की शीर्ष गति के साथ पेरेग्रीन बाज पृथ्वी पर सबसे तेज जीवित प्राणी है। पेरेग्रीन बाज दुनिया के सबसे आम पक्षियों में से एक है और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। पेरेग्रीन बाज अपनी मजबूत शिकार क्षमता, उच्च प्रशिक्षण क्षमता, बहुमुखी प्रतिभा और कैप्टिव प्रजनन के माध्यम से उपलब्धता के कारण एक सम्मानित बाज पक्षी है। कॉमन स्विफ्ट ने आधिकारिक तौर पर आसमान में सबसे तेज उड़ने वाले जानवर के रूप में अपना ताज खो दिया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में पेरेग्रीन की आबादी में भारी गिरावट आई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह खूबसूरत बाज एक लुप्त प्राय प्रजाति बन गए थे। पेरेग्रीन फाल्को को प्रमुख शहरों जैसे पुलों और गगनचुंबी इमारतों पर रहने के लिए भी जाना जाता है। पेरेग्रीन बाज सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी के साथ पृथ्वी पर सबसे तेज गोता लगाने वाला जीव भी है। पेरेग्रीन फाल्कन अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उड़ सकता है। ये स्पीड एक बुलेट ट्रेन की तरह होती है। तो दोस्तों नंबर दो पर बात करते हैं साकेर बाज, जिसकी गति है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। यह फाल्को चेरुग प्रजाति का है, जिसका परिवार है फाल्कोनिडी। साकेर बाज बाज की एक बड़ी प्रजाति है। साकेर बाज कुछ संस्कृतियों का इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि इसे मंगोलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। साकेर बाजों में परिवर्तनशील आलूबुखारा होता है। नर और मादा आकार को छोड़कर युवा पक्षियों के समान होते हैं, हालांकि यह गहरे रंग और अधिक भारी धारियों वाले होते हैं। यह प्रजाति आमतौर पर अपना कोई घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन एक पेड़ में एक पुराने छड़ी के घोंसले में अपने 3 से 6 अंडे देती है, जो पहले अन्य पक्षियों जैसे सारस, कौवे या बुलबुल द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों नंबर तीन पर बात करते हैं सुनहरा बाज, जिसकी गति है 322 किलोमीटर प्रति घंटा और ये अक्विला क्राइसोटोस प्रजाति का है, जिसका परिवार है एक्टिपराइडी। सुनहरा बाज उत्तरी गोलार्ध में रहने वाला शिकारी पक्षी है। यह चील की सबसे व्यापक रूप से विपरीत प्रजाति है। सुनहरा बाज आकार और शक्ति दोनों का प्रतीक है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े रैप्टरों में से एक सुनहरा बाज एक शक्तिशाली भूरा पक्षी है, जिसके सिर और गर्दन पर ट्रेडमार्क सुनहरे पंख होते हैं। इस शक्तिशाली बाज की लंबाई 26 से 40 इंच के बीच और वजन 7 किलो तक होता है। सुनहरा बाज के पंजे 2.5 इंच चौड़े और मजबूत होते हैं। सुनहरा बाज का मुख्य रंग गहरा भूरा होता है। इसके पंखों का फैलाव 5 से 7 फीट के बीच होता है। इसका वजन 3.5 किलो से लेकर 5 किलो तक हो सकता है। नर और मादा दोनों बाज पक्षी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इनके सर के ऊपर तथा गर्दन में सुनहरे पंख पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रजाति का नाम सुनहरा बाज रखा गया है। सुनहरे बाज को जर्मनी का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। सुनहरा बाज 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। सुनहरे बाज को शहरों से दूर खुले मैदानों में रहना पसंद है। सुनहरे बाज की कई प्रजातियां पहाड़ों और खुले मैदानों में पाई जाती है। सुनहरे बाज अपना घोंसला पहाड़ों पर बनाते हैं। सुनहरे बाज अपने घोंसले से 76 वर्ग मील के दायरे में ही शिकार करते हैं। सुनहरे बाज को प्रतिदिन 250 ग्राम मांस की आवश्यकता होती है। ये 7 दिन तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर बात करते हैं ग्रीफाल्कन,
जिसकी गति है 187 से लेकर 209 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह फाल्को रस्टिकोलस प्रजाति का है जिसका परिवार फाल्कोनिडे है। सफ़ेद पंख वाला ग्रिफाल्कन कई अलग अलग तरीकों से एक आकर्षक प्रजाति है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी बाज प्रजाति माना जाता है। ग्रिफाल्कन का अपने तेज गोता लगाने पर भी असाधारण नियंत्रण होता है। 1758 में स्वीडिश प्रकृतिवादी कार्ल लिनियस ने अपने सिस्टमा नेटूरे के 10वें संस्करण में अपने वर्तमान द्विपद नाम फाल्को रिस्टोकोलस के तहत ग्रिफाल्कन को औपचारिक रूप से वर्णित किया था। वह अपने शिकार का पीछा बहुत तेजी से करते हैं और उनका पीछा करते हुए जल्दी ही जमीन पर आसानी से शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर बात करते हैं वाइट थ्रोटेड नीडल्स बाज, जिसकी गति है 169 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हिरुंडापस कोडुकुटम प्रजाति का है जिसका परिवार ओपोडिडे है। जबकि प्रेग्रीन बाज और सुनहरा बाज शिकार के बाद गोता लगाते समय उल्लेखनीय गति दिखाते हैं। अन्य पक्षी स्तर की उड़ान से बहुत तेज होते हैं। पूर्वी एशिया से ताल्लुक रखने वाला यह बाज हवा में बहुत समय बिताता है। यह छोटे उड़ने वाले कीड़ों को खाते हैं। स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट एक प्रवासी पक्षी है। सर्दियों के अंत में वह अपने प्रजन स्थलों पर वापस आ जाते हैं। विशिष्ट नाम कोडाकुटम लैटिन शब्द कोडा से आया है जिसका अर्थ है पूंछ, और एक्यूटस जिसका अर्थ है नुकीला। तो दोस्तों, नंबर 6 पर बात करते हैं कॉमन स्विफ्ट बाज, जिसकी गति 166 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका प्रजाति है एप्स, परिवार है ओपिडी। कॉमन स्विफ्ट एक मध्यम आकार का पक्षी है जो सतही रूप से खलिहान, निगल या हाउस मार्टिन के समान है, लेकिन कुछ हद तक बड़ा है। हालांकि उन राहगीरों की प्रजातियों से उपजा नहीं है जो एपोडिफोर्मिस के क्रम में है। जब आम स्विफ्ट एक साथ मिल जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक चिल्लाने वाली पार्टियां कहते हैं, वे टर्बे अपनी गति को बढ़ाते हैं। ये संभवतः और गर्मियों को यूरोप और एशिया के अपने प्राकृतिक प्रजनन क्षेत्रों में बिताता है, और सर्दियों के लिए अफ्रीका के दक्षिणी भाग की यात्रा करता है। तो दोस्तों, हम नंबर 7 पर बात करते हैं यूरेशियन हॉबी, जिसकी गति है 159 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी प्रजाति है फाल्को सब्यूटू, परिवार अपोडी है। यूरेशियन हॉबी बाज की एक छोटी पतली प्रजाति है जो यूरोप और एशिया में प्रजनन करती है और फिर सर्दियों के लिए अफ्रीका की नोक के रूप में दक्षिण की ओर पलायन करती है। माना जाता है कि यह बाज 99 मील प्रति घंटा, मतलब 159 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। जब वे हवा से छोटे पक्षियों और ड्रैगन फली को छीन लेते हैं, यह सब्यूटियो गेम्स कंपनी के लिए ट्रेडमार्क बन गया है। जब इसके निर्माता, जो एक पक्षी विज्ञानी थे, को हॉबी पंजीकृत करने की अनुमति से मना कर दिया गया था। तो दोस्तों, नंबर 8 पर बात करते हैं फ्रिगेट बर्ड, जिसकी गति है 153 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी प्रजाति है फ्रेगाटा मैग्निफिसेस और परिवार फ्रिगेटिडे है। फ्रिगेटबर्ड्स एक बार में हफ्तों तक उड़ सकते हैं। उनका मुख्य शिकारी मछली और विद्रुप है, जिन्हें ट्यूना जैसे बड़े शिकारियों द्वारा पानी की सतह पर पीछा करने पर पकड़ा जाता है। शानदार फ्रिगेटबर्ड से अलग करना मुश्किल हो सकता है। नर में पेल विंग पैनल और मादा में अस्पष्ट पीला गला होता है। अपने शरीर को चुराने के लिए अन्य समुद्री पक्षियों का पीछा करता है। जीन्स लिम्ब फ्रेगाटा में वर्गीकृत 3 प्रजातियों में छोटे कम झुके हुए बिल और लंबे पैर होते हैं, और एक मीठे पानी के वातावरण में रहते हैं। तो दोस्तों, नंबर 9 पर बात करते हैं रॉक कबूतर, जिसकी गति है 149.9 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रजाति सी लीबिया है और परिवार कोलंबियाई। दुनिया भर में जंगली आबादी वाले काफ़ी बड़े कबूतर है।
हवा में तैरने की गति के कारण ऑरिस्टोफेंस और अन्य पक्षी के लिए गोताखोर शब्द का उपयोग करते हैं। रॉड डव का वर्णन पहली बार जर्मन प्रकृतिवादी जोहान गमेलिन ने 1799 में किया था। यह जंगली स्थानों में वापस आ गया है, शहरों से दूर चट्टानों पर अपना घोंसला बना रहे हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर बात करते हैं स्पर पंख वाला हंस, जिसकी गति 142 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रजाति पी गैम्बिसिस परिवार अनाटिडे। इसमें एक मस्सा लाल बिल, चेहरा और पैर है। अफ्रीका में औसतन केवल 3.87 किलोग्राम पाया गया है, जिसकी सीमा 2.4 से 5.4 किलोग्राम पाउंड थी। प्रजनन प्रदर्शन के दौरान या अलार्म के मामलों में दोनों लिंग अन्य स्पष्ट कॉल कर सकते हैं। उनके पंखों के स्पर्श में जहर भी जमा हो जाता है, जिससे वे बहुत घातक हो जाते हैं। वे कभी कभी जहरीले भृंगों को निगल जाते हैं, जिसमें उनका शरीर कीड़ों के जहर को अवशोषित कर लेता है, जिससे उनका खुद का मांस मनुष्य के लिए घातक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और दोस्तों साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।